दोस्तों, भारत अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है। इसी कड़ी में उसने ड्रोन, मिसाइल समेत कई अत्याधुनिक प्रणाली को विकसित कर लिया है। अब इन्हीं हथियारों में तपस का नाम भी शामिल हो गया है, जो एक एडवांस्ड मानव रहित विमान है। भारत में बना पहला स्वदेशी मानव रहित यानी UAV पिछले हफ्ते 17 फरवरी को लोगों की नजरों के सामने उड़ान भरता नजर आया था। एरो इंडिया के शो में DRDO के तपस ड्रोन के साथ ही 180 से ज्यादा विमानों ने उड़ान भरी। भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एरो इंडिया 2023 के दौरान तपस UAV द्वारा खींची गई हैरान कर देने वाली फुटेज ट्विटर पर शेयर की है, जो 2 मिनट से ज्यादा की है। इस वीडियो में तपस 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हथियारों को ट्रैक करता दिख रहा है। आपको बता दें कि तपस से इधर एक और अन्य स्वदेशी युद्धक ड्रोन घातक भी इस साल जून जुलाई में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ तपस ड्रोन की बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत ने इसे बनाया क्यों है और ये कितना खतरनाक है, कितना घातक है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। DRDO के मुताबिक इसे भारत की रक्षा जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। अगर ये हवा में है और कोई विमान सामने से आ रहा है तो ये आसानी से पता लगा सकता है कि वो भारत का है या दुश्मन देश का। इसकी पेलोड क्षमता, रडार और SAR सिस्टम जबरदस्त है। मौजूदा वक्त में भारत UAV के लिए इसराइल पर निर्भर है। ऐसे में तपस इजरायली ड्रोन का बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, हाल ही में TB2 ड्रोन ने यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई थी, जिसके बाद भारत समेत लीबिया, UAE, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने इसे लेने की इच्छा जाहिर की थी। धीरे धीरे भारत ड्रोन निर्माण में आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी ने भी 8 अगस्त 2022 को ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर हिम ड्रोन एथॉन प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत भारतीय सेना के लिए ड्रोन बनाना है। तपस का पूरा नाम टेक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड होराइजन है। तपस अब तक का सबसे ताकतवर स्वदेशी ड्रोन है, जो पल भर में दुश्मन का खात्मा कर सकता है। इसकी निगरानी की क्षमता भी पहले से कई गुना ज्यादा है। तपस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए ही नहीं, बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी है। तपस ड्रोन की अन्य खूबियों की बात करें तो यह 28,000 फीट की ऊंचाई पर 18 घंटे से ज्यादा उड़ान भर सकता है। तपस एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो अमेरिका के MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन जैसा ही है। तपस अपने आप ही टेक ऑफ और लैंड करने की क्षमता रखने वाला ड्रोन है। तपस ड्रोन को पहले रुस्तम 2 के नाम से जाना जाता था। तपस ड्रोन लगातार 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। अगर इसकी तुलना तुर्की के बायरकटार TB2 से करें तो भारतीय ड्रोन तपस BH-201 तुर्की के बायरकटार TB2 ड्रोन से लंबाई में बड़ा है। यह उससे स्पीड में भी तेज है। इसके साथ ही भारत का तपस तुर्की TB2 ड्रोन से ज्यादा ऊंचाई पर आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। तपस BH-201 ड्रोन 9.5 मीटर लंबा और 20.6 मीटर चौड़ा है। इसका वजन करीब 1800 किलो का है और यह 130 से लेकर 180 HP पावर तक जनरेट कर सकता है। वहीं तपस 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसमें 1000 किलोमीटर की रेंज है। साथ ही इसको और घातक बनाया जा रहा है। तपस BH-201 ड्रोन 350 किलोग्राम के पेलोड के साथ उड़ान भर सकता है और 24 घंटों तक आसमान में 35,000 फीट ऊपर से ही दुश्मन पर निगरानी और सटीक हमला कर सकता है। अगर हम इसकी तुलना दुनिया के सबसे बेहतर ड्रोन प्रेडेटर से करें तो आप तपस ड्रोन को भारत का प्रेडेटर ड्रोन भी कह सकते हैं। प्रेडेटर ड्रोन को अमेरिकी कंपनी जर्नल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम ने बनाया है। इस ड्रोन में 115 हॉर्स पावर की ताकत है। 8.22 मीटर लंबे और 2.1 मीटर ऊंचे इस ड्रोन के पंखों की चौड़ाई 16.8 मीटर है। 100 गैलन तक की फ्यूल कैपेसिटी होने के कारण इस ड्रोन का फ्लाइंग एंड्योरेंस भी काफी ज्यादा है। प्रेडेटर सी एवेंजर में स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के तमाम फीचर दिए गए हैं। यह अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है। अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन फाइटर जेट की रफ्तार में उड़ते हैं। यह ड्रोन 204 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ सकता है। 25,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाता। इसमें 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती है। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें एक पायलट और दूसरा सेंसर ऑपरेटर होता है। हमारा तपस ड्रोन भी ये सभी काम बड़ी आसानी से कर सकता है, जबकि यह प्रेडेटर की तुलना में 10,000 फीट ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिस वजह से इसे पकड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। साथ ही तपस विदेशों से खरीदे गए ड्रोन से करीब 8 गुना सस्ता भी है। इस वजह से हमारे इस ड्रोन को वो देश भी खरीद सकते हैं जिनके पास प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने का बजट नहीं है। तो दोस्तों, आपका भारत के तपस यानी इंडियन प्रेडेटर ड्रोन के बारे में क्या कहना है, हमें अपने विचार कमेंट में अवश्य बताएं।
साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।